हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे वेक्टर पे लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को बच्चों प्लस कैसे किया जाता है वो आज हम सीखेंगे, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को कैसे प्लस किया जाता है। तो हमारे पास वेक्टर एडिशन के बच्चों तीन मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड है हेड एंड टेल मेथड, हेड एंड टेल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम बच्चों बहुत लंबा नाम है इसका, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। अगला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तीन लॉ हैं वेक्टर एडिशन के जो हमको पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हमको जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। और ट्राइंगल लॉ भी हमको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th दोनों क्लासेस में यूज होगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेड एंड टेल मेथड, हेड एंड टेल मेथड, हेड एंड टेल मेथड। देखो बच्चों, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इसके साथ ऐसे जुड़ा है कि पहले वाले का हेड और दूसरे वाले का टेल आपस में जुड़ जाए, पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, और ये है मान लिया फोर्स है, ये मान लिया 3 न्यूटन की, ये है मान लिया 4 न्यूटन की, और आपको निकालना है कि इन दोनों फोर्सेस को प्लस करके क्या आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं तो आप सीधे 3 प्लस 4 7 नहीं कर सकते, यहाँ पे अलग से मेथड ही लगाना होगा। क्या करना है कि अगर पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है तो क्या करो, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो उन दोनों को प्लस करके आएगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, वो कैसे आएगा, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड जोड़ के, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम आप सबको आती है तो लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं मान लेता हूँ आर है ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ भी वेक्टर नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25, और आर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब देखो, मान लिया एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, इन दोनों को मैंने बोला आपको कि प्लस करके बताओ, तो आप क्या करोगे, बना दोगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ये गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा, पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहां पे तो पहले वाले का हेड और दूसरे वाले का भी हेड जुड़ा हुआ है, तो यहां पे आपको सबसे पहले करना पड़ेगा पहले का हेड दूसरे का टेल। कैसे करोगे, तो बच्चों वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ये वेक्टर है तो इसको आप आगे खिसका के अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आपको जरूरत पड़े तो, ठीक है। अगर आपके पास कोई ये वेक्टर है तो आप इसको खिसका के आगे या पीछे कर सकते हो, इसको खिसका के पीछे भी कर सकते हो, यहां पे लेके आ सकते हो, आपको जरूरत पड़े तो इसको आप खिसका के यहां पे लेके आ सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसके हेड को इसके टेल से जोड़ना है, तो क्या करो, इसको खिसका के आगे ले आओ, यानी यहां पे ले आओ, तो ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, पहले की टेल लास्ट का हेड, पहले की टेल लास्ट का हेड, तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा। देखो बच्चों, वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन डायरेक्शन का फर्क है, अगर आप ऐसे कर देते हो तो ये डायरेक्शन होती और वो गलत हो जाता। तो ध्यान में रखना है पहले का हेड दूसरे का टेल जुड़ा होना चाहिए, तभी वेक्टर हेड टेल मेथड आपका लग पाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हेड टेल मेथड है क्या। चलो देखो, हेड टेल मेथड क्या बोलता है कि इफ यू जॉइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, देन
their resultant is get by joining tail of first with head of last। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम मैं ऐसा मानता हूं नहीं होगी। तो चलो एक और एग्जांपल करते हैं। मान लिया एक वेक्टर है ये, इसका हेड जुड़ गया किसी की टेल के साथ, फिर इसका हेड जुड़ गया किसी और की टेल के साथ। यह है मान लिया 3 न्यूटन, यह है 4 न्यूटन, यह है 3 न्यूटन। तो आपको बताना है इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो पहले का हेड दूसरे का टेल जुड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले का हेड दूसरे का टेल जुड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट कैसे आएगा, बाय ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट विद हेड ऑफ लास्ट। ये तो ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और कितना है ये 4 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो इतना सा था हेड एंड टेल मेथड। लेकिन हेड एंड टेल मेथड बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखो बच्चों, अगर यहां पे आपके पास ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये है ये आ गया रिजल्टेंट आ गया, तो आपने बड़े आराम से निकाल दिया क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल था और आपने पाइथागोरस लगा दी। लेकिन अगर एक वेक्टर ये रहा हेड से टेल अभी भी जुड़ा हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे मान लिया एंगल है 130 डिग्री। अब आप कैसे निकालोगे इसको, क्या यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, यहां पे नहीं लग सकती। इसलिए हेड एंड टेल मेथड यहां पे फेल कर जाता है, और यहां पे आप हेड एंड टेल मेथड नहीं यूज कर सकते। इसलिए फिर जन्म हुआ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर लॉ एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने कान के पर्दे खोल के बैठ जाओ, ठीक है, पूरी अटेंशन यहां पे, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है पैरेललोग्राम। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफी दे देना मेरे को। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे अब ध्यान में रखना है आपको कि जो दो वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मतलब उनको प्लस करने की कोशिश कर रहे हो, उन दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है मेरे पास, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, तो दोनों की टेल से टेल मिली है, तो यानी यहां पे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो। अब मान लिया दोनों के बीच एंगल है थीटा, ये है मान लिया ए वेक्टर और ये है मान लिया बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि जो दो वेक्टर टेल से टेल मिला के बैठे हुए हैं, क्या करो, उन दोनों की मदद से एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करो। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो दोनों को प्लस करके वेक्टर बनेगा, वो कैसा बनेगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वही इन दोनों को प्लस करके आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, जो इसकी लेंथ होगी और जो इसकी डायरेक्शन होगी वही आपको बताएगा कि इन दोनों को प्लस करके जो नया वेक्टर बना वो क्या है, वो इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट है, सॉरी डायगोनल है। डायगनल भी दो होते हैं, एक ये और एक ये, तो आपने कौन सा लेना है, टेल वाला, जहां से दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे अब आर को आपने मेजर नहीं करना स्केल लेके, आर का फॉर्मूला है आपके पास, क्या है आर का फॉर्मूला, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहां से आपके पास आर की वैल्यू निकल के आएगी, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद अगर आपको ये रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है, क्या है ये, वेक्टर है, वैल्यू तो आपको यहां से मिल जाएगी, इसकी डायरेक्शन कहां से दोगे, डायरेक्शन ये है इसकी, ठीक है, ये है, अब ये डायरेक्शन ये है, ठीक है, मान लिया अब ये ऐसे तो है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे ज्यादा एंगल भी हो सकता है, ये तो ये कितना एंगल बना रहा है वो एंगल निकालना पड़ता है। तो मान लिया ये ए के साथ बना रहा है अल्फा एंगल, तो ये एंगल भी आपको निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला है बच्चों
tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. सीधे सीधे फॉर्मूले आपको याद कर लेंगे. समझ में आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं नहीं अब ये दोनों फॉर्मूले हमको डिराइव करने हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा. तो आपने नोट कर लिया होगा? कर लिया होगा ठीक है. तो वैसे भी अब ये फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है. ये सेम टू सेम फॉर्मूले डिराइव करने हैं, मतलब निकले कहां से वो देखना है, ठीक है. चलो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेरिवेशन, पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. चलो देखो, मान लिया एक वेक्टर है मेरे पास ये, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा. आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है. कर दिया. अब इनका जो डायगनल होगा, टेल से टेल जो मिली होगी, ठीक है, वो डायगनल ही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है बच्चों. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ए वाले को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना दिया. नाम दे देते हैं कुछ, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर, आर दो दो बार आ गया ना, तो ऐसे कर लो, इसको कुछ और नाम दे दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये आर रिजल्टेंट वाला की हो, तो एम एन ओ पी क्यू, ठीक है बच्चों, ये दे दिया नाम. अब आपके पास क्या करना है, आपको सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू में आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगी. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखो बच्चों, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा. कोरस्पोंडिंग एंगल्स, पैरेलल साइड्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी बी होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये बी, तो ये भी बी. चलो साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, बी, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बी साइन थीटा, यानी ये कितना आ गया मेरे पास, बी साइन थीटा, ठीक है. अब आ जाओ इसी ट्राइंगल में, मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, बी है, तो पी क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, बी कॉस थीटा, ठीक है, यानी ये कितना आ गया, बी कॉस थीटा, ठीक है. अब देखो कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको, ट्राइंगल एम ओ क्यू, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, बड़े वाला ट्राइंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं. अब देखो क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल एम ओ क्यू पाइथागोरस लगा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये रहा हाइपोटेन्यूज यानी आर का स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर. बेस क्या है देखो, एम पी प्लस पी क्यू, ये सारा बेस है, एम पी प्लस पी क्यू, एम पी कितना है, ए है, प्लस पी क्यू कितना है, बी कॉस थीटा, यानी इन दोनों का सम और फेस का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस लगाई. अब यहां पे आ जाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, यहां तक पहुंच गए. अब यहां पे देखो आर स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, ए स्क्वायर को लिख दिया अलग मैंने, प्लस बी स्क्वायर अगर देखोगे तो यहां पे और यहां पे कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में है टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा.
अब यहां से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन होता है टेंथ क्लास में कराए ठीक है, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, लो बन गया आपका आर स्क्वायर का फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले करा था। ठीक है बच्चों समझ में आया ना, अब देखो इसको रब कर रहा हूं मैं ठीक है, नोट कर लो ठीक है। अब देखो यहां पे मान लिए ये ए जो है ए वेक्टर जो है ये आर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ठीक है, तो यहां से टैन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, टैन अल्फा ये है ट्राइंगल वही वाला ठीक है, टैन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन बेस यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यही थे फॉर्मूले आपके पास आई थिंक दोनों के दोनों, ठीक है बच्चों समझ में आया कोई प्रॉब्लम, ठीक है न्यूमेरिकल करें पक्का भागोगे तो नहीं, ठीक है करें करें चलो करते हैं, अब तुमने बोल ही दिया तो चलो कर ही लेते हैं ठीक है। तो चलो आसान सा न्यूमेरिकल यार बहुत मुश्किल नहीं, मान लिया ये कोई फोर्स लगी एफ वन 6 न्यूटन की, यहाँ पे फोर्स लगी एफ टू जो कि लगी 8 न्यूटन की, आपको बताना है इन दोनों फोर्सेस को प्लस करके क्या आएगा और दोनों फोर्सेस के बीच एंगल है मान लिया 60 डिग्री, तो यार बहुत इजी है अभी देखा हमने दोनों की रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, मान लिया एफ आएगी जो हम आर ले रहे थे ठीक है, चलो तुम्हारी खुशी के लिए हम आर ले लेते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ठीक है, ये रहा हमारा ए वेक्टर ये रहा हमारा बी वेक्टर, तो कर दो पुट यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 टू ए बी कॉस थीटा यानी 2 into a बच्चों 6 into b यानी 8 cos theta यानी cos 60, तो 36 plus 64 100 प्लस 2 into 6 48 90 ये आ गया 96 इंटू कॉस 60 होता है बच्चों 1.2 ठीक है, इसको कैंसिल किया 48 तो यानी ये कितना आ गया 148 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 148 तो आर इज इक्वल टू 148 का अंडर रूट ठीक है बच्चों, बहुत इजी था, अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि अगर जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ ए के साथ, तो कैसे आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, चलो निकाल लो यहां से बी साइन थीटा कितना बचो 8 sin 60 अपॉन ए ए कितना 6 plus 8 cos 60, तो यहां से आपके पास टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करवाया यार ठीक है, आप पढ़ो इसको रिवाइज करो अच्छे से ठीक है, न्यूमेरिकल जितने हो सकते हैं करो, और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है नए नए न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मैं पक्का करवाऊंगा उनको ठीक है, तो पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए, मेक इट ईजी नया चैनल है सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच लव यू।